नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल एरिटिकस गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है या जिसको हम लोग ड्यूल स्टार्टर कहते हैं, उस स्टार्टर की वायरिंग पीएलसी स्टार्ट या डीएससी स्टार्ट से किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हम लोग ये जानेंगे कि हम पीएलसी से कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा पैनल से उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग उसको फीडबैक के बारे में जानकारी देंगे कि हम पीएलसी में कौन कौन से फीडबैक लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फेस सप्लाई है, ठीक है, पी है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगा कहाँ जाएगा, वो आपका एमसीबी में जाएगा, कंट्रोल एमसीबी जिसको कहते हैं। ये आपका एमसीबी होगा, कंट्रोल एमसीबी, ठीक है। कंट्रोल एमसीबी से जो सप्लाई जाता है ओवरलोड रिले में जाता है। तो ये हमारा ओवरलोड रिले है, ठीक है। ओवरलोड रिले से हमारा जो सप्लाई जाएगा स्टाफ पुश बटन में जाएगा, जो कि पैनल स्टाफ पुश बटन रहेगा। ये पैनल स्टाफ पुश बटन, ठीक है। इसके बाद आपको टीवी में देना पड़ेगा, जो कि डीसीएस स्टाफ के लिए रहेगा। ये जो टीवी आपको दिखा रहा है वो डीसीएस या पीएलसी स्टाफ के लिए रहेगा, ठीक है, डीसीएस स्टाफ, ठीक है। देन आपका एक सेलेक्टर स्विच देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टर स्विच रहेगा, एक आपका मैनुअल रहेगा, ये पैनल से स्टार्ट के लिए रहेगा, ये पैनल मोड है ये। और सेकेंड जो रहेगा आपका पीएलसी या डीसीएस स्टार्ट मोड रहेगा, ठीक है, डीसीएस, सॉरी यहाँ पे कुछ और लिख दिया था मैं, आपका डीसीएस, ठीक है। तो पैनल मोड में देख लेते हैं क्या रहेगा। पैनल मोड में आपको एक स्टाफ पुश बटन देना पड़ेगा पैनल में, सो मैंने स्टाफ पुश बटन दिया। और इसके बाद ये जो सप्लाई आएगा वो मेन जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है उसके कॉइल में चला जाएगा। तो ये हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है, ठीक है, और इसे कॉइल में चला गया। और यहाँ से एक आपको न्यूट्रल लेना पड़ेगा, दिस इज़ अ न्यूट्रल, और ये सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा जो केबल दिख रहा है न्यूट्रल का है, ठीक है। आगे इसमें होल्डिंग दे देते हैं। तो होल्डिंग के लिए क्या कीजिए, आपका स्टार्ट पुश बटन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से एक केबल लेते हैं और इसी कॉन्टेक्टर के जो एनो रहता है, ठीक है, उससे ऐसा वापस इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, होल्डिंग है। तो ये जो एनो आपको दिखाई दे रहा है, एनो को सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये इसी मेन कॉन्टेक्टर का एनो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीसीएस स्टार्ट के लिए आपको फिर से टीवी देना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पे टीवी दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये सिंबल आपका टीवी का, ठीक है, ये पॉइंट रहेगा आपका सीधा डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पीएलसी वायरिंग हो गया, ठीक है। आगे इंडिकेशन के देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से इंडिकेशन आते हैं। तो एक तो आपका ओवरलोड डिले, ठीक है, ओवरलोड डिले, यहाँ से जो हमको सप्लाई मिलेगा वो ट्रिपिंग के लिए जाएगा। तो मैं ट्रिपिंग के लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमको ऑन और ऑफ का इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ से एक फेस सप्लाई ले लीजिए, ठीक है, और कॉन्टेक्टर का जो एनो है आपका मेन जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के एनो से आप एक इंडिकेशन को दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन को हो जाएगा ये। तो ये हमारा ऑन का इंडिकेशन होगा, ये हमारा ट्रिप का इंडिकेशन है, ट्रिप का, ठीक है। और एक और सप्लाई लीजिए यहाँ से, और कॉन्टेक्टर, इसी जो कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर उसके एनसी से एक इंडिकेशन को दे दीजिए, और ये किसका हो जाएगा, ये ऑफ को हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ को जो इंडिकेशन रहता है वो हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं, तो ये ग्रीन रहेगा। ऑन का इंडिकेशन रेड यूज़ करते हैं, और जो ट्रिप का इंडिकेशन होता है वो हम अंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ए फॉर अंबर लिख देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फीडबैक के बारे में बात करेंगे कि आपका ऑन का फीडबैक है, ऑफ का फीडबैक है, आपका इसके अलावा आपका जो रिमोट का फीडबैक है वो कैसे हम पीएलसी को देते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।
और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि आखिर कैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा, उसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये एनसी है और आपका जो पैनल स्टॉप बटन है ये भी एनसी है। ठीक है, और हमने यार डीसीएस स्टॉप को दिया हुआ है तो ये आप ये लूप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि डीसीएस स्टॉप रहेगा, स्टॉप करेंगे उस कंडीशन में आपका ये एनओ रहेगा, बाकी समय एनसी रहेगा, तो सप्लाई यहाँ तक कंटिन्यू आता रहेगा। ओके, अब पैनल से देखिए, पैनल से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक देखिए फेस आ रहा है, मेरा फेस यहाँ तक अभी आ गया है यहाँ तक। अब जैसे ही इस बटन को मैं प्रेस करूँगा मेरे कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में सप्लाई चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, और होल्डिंग के लिए हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का एनो पॉइंट से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होल्डिंग के बारे में जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, अब अगर आप डीसीएस से स्टार्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये जो से मूव करके डीसीएस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसी कमांड मिलेगा ये पॉइंट अगर लूप हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर हमने ऑन और ट्रिप के इंडिकेशन का लिया था, ट्रिप के इंडिकेशन में क्या था, ऑल ओवर डिले का जो पॉइंट वहाँ से मिलता है ना, आपका एनो पॉइंट मिलता है यहाँ पे, है ना, ये एनो आपको दिखा रहा है, एनो पॉइंट मिलता है। और जब ट्रिपिंग की कंडीशन आता है तो ये जो एनो पॉइंट रहता है वो एनसी बन जाता है। ठीक है, ये आपका कैसा रहता है, ये एनो रहता है, ये चलिए ठीक है, एनो पॉइंट रहता है। और देखिए, और जब आपका स्टार्टर ऑफ है उस कंडीशन में यहाँ पे एनसी मिलेगा मेरे को, उस समय क्या होगा, हमको ऑफ का इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा। और ऑन होगा उस समय क्या हो जाएगा, देखिए ये जो एनसी दिखा रहा है वो एनओ बन जाएगा और जो एनओ दिखा रहा है वो एनसी बन जाएगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ऑन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका रेड जो कलर का आप लैंप लगाएंगे वो लैंप आपका कंटिन्यू जलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वायरिंग जो है कम्प्लीट हो गई है। अब हम लोग इसके टीवी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से टीवी डिटेल्स यहाँ पे लिख लेते हैं, यह टर्मिनल डिटेल्स या टीवी डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स, ठीक है, तो कौन कौन से टीवी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये फेस 101, 102, 103, 104। ठीक है, तो चूंकि ये डीसी से स्टार्ट है तो 104D कर दीजिए, और ये मैनुअल स्टार्ट है तो 104M कर देता हूँ मैं इसका नंबरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो नंबर है 105 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको 106 हो जाएगा, ये आपको 107 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने फेरू नंबर, सारे केबल का फेरू नंबर दे दिए हैं, और न्यूट्रल को हम लोग क्या देते हैं, 100 देते हैं। ठीक है, तो ये फेरू नंबर हो गया। अब टीवी डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आ रहा है। एक तो हमको डीसी स्टार्ट, ये आपको ये देना पड़ेगा, कंट्रोल सप्लाई, तो ये टीवी है, फर्स्ट टीवी में क्या रहेगा, आपको पी रहेगा, ये आपको पी रहेगा, सेकंड टीवी में एन रहेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो टीवी रहेगा आपका 103 और 104 रहेगा। ठीक है, 104, तो ये जो पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, डीसीएस स्टॉप रहेगा ना, डीसीएस स्टॉप। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको, 104D एंड 105, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये DCS स्टार्ट। तो ये हमारा टर्मिनल डिटेल्स है। ठीक है, अगर आपको पैनल में टेस्ट करना रहेगा तो आपका DCS स्टॉप जो रहेगा इस पॉइंट को लूप करना पड़ेगा, तभी आगे कंट्रोल सप्लाई जाएगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फीडबैक का कमांड PLC में जाता है वो फीडबैक का कमांड किसके द्वारा कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।